ये खिड़की हो गई आपकी, जो भी है। तो मैं इधर पे जस्ट एक डमी जैसा एक वो बना रहा हूँ, पूरा बॉक्स, ठीक है। यानी कि इंटीरियर एक छोटा सा बना रहा हूँ, सेल कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, अभी मैंने इसको कर दिया जो भी है वाइट कलर, जो भी कलर कर दिया, एक घर के अंदर का कलर हो गया, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो कि जो भी अगर येलो कलर भी कर रहे हो तो सीधा आप सीधा क्या कर रहे हो कि कलर करने के लिए, मैंने इनके ऊपर वीडियो ही बना चुका हूँ, तब भी वो देखेंगे नहीं, बस सीधा अप्लाई कर रहे हैं, बोले कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे थोड़ा काम होता है यार। देखो आप क्या कर रहे हो, सीधा जो भी येलो कलर करने के लिए सीधा सामने एक विंडो पे ऐसे डाल दे रहे हो, एक कोई प्लेन डाल रहे हो, प्लेन के ऊपर ही सीधा समझ लो प्लेन आपने ऐसे डाल दिया, प्लेन को येलो कलर कर दिया, बस हो गया। आप ऐसे कुछ कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ करना नहीं है, जो भी कर रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसे में क्या होता है ना कि पूरा फील हो जाता है, पूरा ये पूरा येलो येलो दिखता है, पूरा फ्लैट दिखता है, पूरा जैसे कि अंदर लाइट का बम फूटा हुआ है अंदर, ऐसा कुछ फील होता है, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक रियलिस्टिक इफेक्ट देता ही नहीं ना, जैसे कि देख सकते हो, एक मिनट कैमरा, रियलिस्टिक इफेक्ट देता है नहीं, ऐसे येल्लोनेस आएगी इफेक्ट्स, तो कैसे रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा ये। कैसे रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा ये, ठीक है। अगर इसके जगह पे जो ऐसे डालने के बजाय, ये जो लाइट है ऐसे डालने की बजाय आप इस लाइट को ऐसे डालते हैं, इसके अंदर इफेक्ट देखोगे कि काफ़ी फर्क पता चलेगा। यहाँ पर इस लाइट को आप प्लेन लाइट को ऐसे सीलिंग पे डालो, सीलिंग पे डालो, और सीलिंग पे लाइक ऐसे, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक इंटीरियर के अंदर का डेप्थ दिखेगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर एक डेप दिखेगा, अभी वैसे क्या हो रहा है कि आपका देखो अभी इंटीरियर का अंदर का डेप दिख रहा है कि अंदर है कमरा, एक कमरा लग रहा है, एक कमरा है। अभी सामने आप प्लेन डाल देते हो ना कि अंदर कमरे दिखते नहीं है, ये कमरे है भी क्या, नहीं कि अंदर की तरफ बस लाइट का बम फूट रहा है, वैसे कुछ फील हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर लाइट का बम ही फूट रहा है अंदर की, हाँ लाइट ही लाइट है, पूरा लाइट येल्लो 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 भाई, पूरा येल्लो कलर का लाइट ही भरा पड़ा है अंदर तरह। इंटीरियर का डेप्थ दिख ही नहीं रहा है, कोई भी डेप्थ है नहीं, इंटीरियर है नहीं, ना सीलिंग ना कुछ है, कोई डेप्थ नज़र नहीं आ रहा है इंटीरियर के अंदर का, कोई डेप्थ नज़र नहीं आ रहा है। ये फिर अजीब हो जाता है। अभी देखो इससे क्या डेप्थ नज़र आ रहा है अंदर की तरफ, ये अंदर है कुछ। अभी अंदर आप कुछ एलिमेंट डाल दोगे, जैसे कि लाइक अगर अंदर आप कुछ चेयर वगैरह डाल दो, कुछ एलिमेंट डाल दो, तो उससे क्या और भी इफेक्ट आएगा। कुछ कर्टन लगा दो सामने से, जैसे कि अगर सामने की तरफ से मैंने कुछ कर्टन लगा दिया, तो लाइक उसमें भी फील आता है कि हाँ भाई अंदर कर्टन लगा हुआ है और कर्टन के थ्रू ऐसा दिख रहा है। तो ये भी एक फील, एक लुक है ना कि भाई है अंदर एक लाइवनेस है, कि किसी ने कर्टन लगाया है अंदर। अभी अंदर की तरफ मैं ऐसा कुछ और भी कुछ डाल दूँ एलिमेंट, जैसे कि मुझे लग रहा है कि अंदर की तरफ अगर कोई खड़ा हुआ दिखा दे, अंदर की तरफ कोई खड़ा हुआ दिखा दे। अभी खड़ा हुआ दिखाने तो पीपल्स चाहिए, पीपल्स भी मिल जाते हैं हमें यहाँ पर, तो पीपल्स को मैं यहाँ पर स्टैंडिंग पीपल ले लेता हूँ। अभी मेरे को स्टैंडिंग पीपल में जैसे कोई भी ऐसे कोई फ़ोन चला रहा है लाइक, ऐसा कुछ मुझे देखना है, तो लाइक दिस, तो इसको ले लिया मैंने। अब ये काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा सा स्केल में छोटा कर लेता हूँ फिलहाल।
है, ऐसा लगा कि अंदर की तरफ कोई खड़ा है, कोई फोन चेक कर रहा है, ऐसा कुछ एक लाइवनेस फील होती है कि अंदर है कोई। ठीक है, अभी लाइट बहुत कम है तो थोड़ा सा लाइट को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर लाइट कम आ रही है इधर पे, तो लाइट को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ एंड रेंडर करते हैं। क्लाउड पे क्लिक कर दिया मैंने गलती से। ठीक है, अब देख सकते हो क्या फील आ रहा है। कर्टन मैंने लगाया, कैसे कर्टन का मॉडल है ये पूरा, ये पूरा मॉडल ही है। कोई भी आप मटेरियल से डालने की कोशिश मत कीजिए, जो मॉडल है मॉडल डालिए उधर पे। ग्लास पूरा कंप्लीट ग्लास दिखाइए और मॉडल डालिए इस तरीके से, कर्टन का मॉडल डालिए। अभी ये क्योंकि मैंने ये ऑफिस का मैं डाल दिया। अभी घर का कर्टन कैसा होता है, घर का कर्टन दिखने में लाइक घर वाला कर्टन कैसा दिखता है, तो घर के लिए कर्टन के लिए आपको मिलता है हाउस कर्टन्स। जो घर के अंदर कर्टन कुछ ऐसा कुछ होता है। तो अभी मैंने इधर पे मैंने कुछ लाइक ये वाला एक ले लिया, लाइक ये वाला एक ले लिया, तो इसको इसको फिर मैं छोटा कर लिया। बस कर्टन लग गया पीछे। अब बीच वाले में भी थोड़ा सा कर्टन जैसा दिखाना है, तो इसे इधर पे भी ऐसे डाल दो। रेंडर मार के देखते हैं कैसा दिखता है फील। ऐसा कर्टन नज़र आ रहा है और उसके थ्रू वो दिख रहा है। अब कर्टन को थोड़ा ट्रांसपेरेंट देखना है, तो उसको उसके मटेरियल के ऊपर थोड़ा काम कीजिए। तो उसके मटेरियल को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, मटेरियल कौन सा वाला। इसमें मटेरियल काफ़ी फ्लैट है, टू साइडेड वाला मटेरियल है, तो ट्रांसपेरेंसी एक्टिवेट करना है, तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा वो कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। इस मटेरियल को चेंज करके हम लोग डाल देते हैं हमारा खुद का नॉर्मल सा ग्रे वाला मटेरियल। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी करने के लिए मैं यहाँ पर ओपेसिटी का यूज़ करूँगा। ओपेसिटी में यहाँ पर मैं एक कलर डाल दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना कलर पीले कलर। इसको मैं करता हूँ ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर करने पूरा ट्रांसपेरेंसी 100% आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो 100% ट्रांसपेरेंट आ गया। तो 100% ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए मुझे, तो इसकी ओपेसिटी को मैं करता हूँ 50%, यानी कि आधा ट्रांसपेरेंट लाइक दिस। अभी रेंडर करेंगे तो अभी आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। तो अभी ये ट्रांसपेरेंट है, कर्टन ट्रांसपेरेंट है, वाला मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं किया हो, जैसे ये दोनों ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं अभी यहाँ पर। मेरे को अगर वाला भी ट्रांसपेरेंट करना है, तो उसको मेरे को सेलेक्ट करके सेम वही वाला मटेरियल मेरे को यहाँ पर डालना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ठीक है, वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया। ऐसा कुछ कर सकते हो। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो।